नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे सैक्सन पाम। ये जो पाम आप देख रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं सैक्सन पाम, क्योंकि इसका दो नोजल है, दो आउटलेट है, आप देख सकते हो। ठीक है, एक से ये सक्शन करता है और एक से डिलीवरी करता है। अच्छे से देख लीजिए दोस्तों ये पाम को। इसका है RP27W, ठीक है, ये 27 वाट का है। वाटर या फिर एयर दोनों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर डायफ्राम पंप है। एक्चुअली डायफ्राम पंप है, 12 वोल्ट का पंप है ये। इसके अंदर 370 डीसी मोटर इनबिल्ट है और ये आपका 12 वोल्ट डीसी 12 वोल्ट रेटेड है। तो 12 वोल्ट का आपको अडाप्टर या फिर बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले तो दोस्तों दिखा देते, देखिए ये पंप का दो नोजल है, ठीक है। मिडिल वाला जो नोजल है वो आपका आउटलेट है, साइड वाला नोजल इनलेट है। इससे आपका पानी व हवा इनलेट होगा, इससे आउटलेट होगा। आप इसको दोनों काम में इस्तेमाल कर सकते हो, हवा के लिए भी सक्शन कर सकते हो, मतलब वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो, या फिर हवा छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इस साइड से अगर कहीं पे कुछ फुलाने का चीज़ हो, बैलून वगैरह की कुछ भी, तो इस आउटलेट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। पानी का भी आप सेम कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए मैं इधर पर एक पानी का बकेट लिया हूँ, ठीक है, और ये छोटा सा पाइप है। मैं बाद में आपको सभी डायमेंशन वगैरह सब कुछ बता दूंगा। तो ये देखिए, पहले मैं आउटलेट में पाइप को लगाता हूँ, ठीक है, जिससे मेरा हवा निकलेगा सिर्फ। और इसको पावर देने के लिए देखिए मैं इधर पे एक अडाप्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अडाप्टर, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, कोई भी अडाप्टर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके देखिए एक रेड है और एक साइड पर कुछ मार्क नहीं है, तो मैं रेड साइड पर पॉजिटिव वाला लगाऊंगा, जहाँ पर कुछ मार्क नहीं उस साइड पर नेगेटिव वाला लगाता हूँ, ठीक है। अभी हम इसको ऑन करते पंप को। तो देखिए पंप ऑन हो चुका है और इस साइड पर देखिए अभी हवा तो आप समझेंगे नहीं, तो मैं पानी में डुबा रहा हूँ। ये देखिए आउटलेट में देखिए सिर्फ हवा निकल रहा है, जैसे कि आप समझ सकते हो पानी के अंदर डुबाने पे देखिए बुलबुले निकल रहा है, ठीक है। प्रेशर बहुत अच्छा है हवा का। अभी देखिए मैं पाइप को पूरा डुबा देता हूँ, फिर भी निकल रहा है, मतलब इसका प्रेशर जो है अच्छा है। आप इसको एक्वेरियम पंप की कहीं और जगह पर बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी दोस्तों ये सेम चीज़ करेंगे, मगर अभी क्या करेंगे, इन जो इन सेक्शन है इसका, ये वाला सेक्शन, इसमें पाइप लगाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन में अगर पाइप लगाएंगे तो जो डिलीवरी है उससे हम लोगों को पानी मिलना चाहिए। तो ये वाला पाइप पहले हम लोग डुबा देते इधर पे और अभी ऑन करते इसको, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए सेक्शन की जगह पे हवा की जगह पानी जा रहा है और आउटलेट से पानी निकल रहा है इधर पे, और आप देख के समझ सकते हो कि ये जो पानी है ना, इसका प्रेशर बहुत अच्छा है। ये देखिए तो एक ही पंप से आप दोनों काम कर सकते हो। एयर भी आप सक्शन कर सकते हो कि एयर डिलीवरी कर सकते हो, पानी खींच सकते हो कि पानी निकाल सकते हो, ठीक है ना, बहुत कमाल की चीज़ है। तो अभी दोस्तों पहले क्या करेंगे कि ये वाला जो हम लोगों को मेंशन किया गया है कि 27 वाट का है, किया है सच में 27 वाट का है कि नहीं, वो चेक करेंगे। वो चेक करने के लिए देखिए हम लोगों को चाहिए एक मल्टीमीटर, ठीक है। तो इस मीटर पे पहले आपको वोल्टेज दिखा देते हैं कितना है वोल्टेज। हम देखिए अभी पंप को ऑन कर रहा है इधर पे, और जस्ट ये दोनों टर्मिनल को हम लोग टच करेंगे। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मैंने 20 वोल्ट पर सेट किया है और मैं इसका वोल्टेज मेज़र करूँगा। तो देखिए जो हम लोगों का वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है करीब 12.46 या 12.45 वोल्ट आ रहा है, मतलब 12 वोल्ट। तो अभी करंट मेजर करेंगे। करंट करने के लिए मल्टीमीटर के पास ये वाला प्रोब को मैंने चेंज किया, इसको मैंने डाला एम्पियर पे और इधर पे मैं बस कनेक्ट करूँगा ऐसे। तो एम्पियर तो फिलहाल तो बहुत ही कम ले रहा है, देख सकते हैं आप, ओनली 0.8 एम्प्स। तो अभी इसको हम थोड़ा सा पानी में इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि लोड पे कुछ एम्पियर हम लोगों का इंक्रीज होता है कि नहीं। तो दोस्तों अभी देखिए पंप लोड पे काम कर रहा है, नीचे देखिए पानी निकल रहा है, ठीक है। तो ये वाला अभी जो करंट कंज्यूम कर रहा है वो कम है, ज़्यादा है, वो आपका 0.4 एम्पियर तक जा रहा है। 0.4 एम्पियर मतलब हम लोगों का होता है
12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 5 वाट के करीब आता है। तो इसको थोड़ा हम लोग और टेस्ट करते हैं, इसको प्रेशराइज करके देखते। अभी देखिए हम इसका पानी का जो सक्शन है ऊपर बंद कर देंगे ताकि इससे कुछ भी पानी ना निकले ऐसे। तो ये करीब तो भाई ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं हुआ, करीब हम लोगों का 0.4 एम्पियर हुआ। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि हम लोगों का जो इधर पे जो 27 वाट करके लिखा हुआ है ये 27 वाट नहीं है, उससे कम ही है, करीब 4-5 वाट के करीब इसका पावर हुआ, ठीक है। मगर दोस्तों पंप है बहुत बढ़िया क्वालिटी का, क्योंकि इससे हम लोगों का सक्शन डिलीवरी सब हो रहा है एंड एयर का वाटर का दोनों का। तो अभी इसका बस हम लोगों को बाकी है डायमेंशन जो आपको बताना है हमको। तो दोस्तों डायमेंशन मेज़र करने के लिए देखिए मेरे पास एक स्लाइड कैलिपर डिजिटल वाला, ठीक है। तो इसका पहले मैं मोटो का डाया देखता हूँ, 24 mm है मोटो डाया। ऊपर का जो पंप का डाया है वो है आपका 26.8 mm। जो नोजल है, दो नोजल है, उसमें आपका 3.5 या 4 mm आप पकड़ के चलिए पाइप लगता है, 4.1। ये जो देखिए ये एक हिंच है, तो इधर पे ना आपका पाइप टाइट हो जाता है, उसका अगर नीचे वाला पकड़ो तो 3.5 mm का पाइप लगेगा। ये जो पाइप है इसका अगर आउटलेट में मापूँ तो 4.5 होता है, अब 4.4 या 4.5 होता है। पंप का अगर पूरा हाइट में मेज़र करूँ तो वो आ रहा है आपका 63.8, ठीक है। बस यही है दोस्तों, और इसका अगर हाइट में देखूँ तो ये है आपका करीब 10.7। तो दोस्तों ये पंप है बहुत बढ़िया, इससे आपका एयर का सक्शन या वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, पानी किसी चीज़ से निकालना पानी डालना ये भी हो जाएगा छोटे मोटे काम पे। क्योंकि देखिए इसका जो वाटर फ्लो है वो तो उतना ज़्यादा है नहीं, आपने जैसे कि देखा फ्लो बहुत ही कम है, मगर फ्लो प्रेशराइज प्रेशर में आता है। एंड अगर बात भी करेंगे कितना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 लीटर या 2 लीटर ही होगा 1 मिनट पे, ठीक है। तो बस यही है दोस्तों आज का वीडियो, होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। एंड अगर आपको ये सामान परचेस करना है तो इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन से दे दिया है, उधर से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो। तो बस बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।